Good morning, dear students. Welcome in Awesome Online Classes. Now, today discuss activity 1 of chapter 4. To find out if our sense of touch, हम find out करेंगे यदि हमारा जो sense है touch का can give us a reliable judgment about hotness or coldness. तो हम उसको check करेंगे कि कितना reliable जजमेंट हमें बताता है कितना हॉट है या कितना कोल्ड है. इसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है सूप बाउल्स, बियरेबल हॉट वाटर, लुके वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर. ये सब हमें रिक्वायरमेंट है. टेक 3 एम्प्टी सोप बाउल्स. सोप बाउल्स लेंगे 3. आइस कोल्ड वाटर, ये वाटर है आइस कोल्ड, लुके वार्म वाटर और hot bearable. Label them, उनको लेबल करेंगे. लेबल them is A, B and C. A, B और C कर रखा है उनको. Fill bowl A with ice cold water. एक bowl है उसको A से fill कराएं. Ice bowl, ice cold. Bowl B को lukewarm water से और C को hot water से. Dip fingers of your right hand in bowl A and those of your left hand in bowl B for 2-3 minutes. तो आपके right hand की finger bowl A में और left hand की finger bowl B में 2-3 मिनट के लिए आप रखेंगे. Now remove your fingers from the bowl A and B and dip them together in bowl C. और उसको bowl C में दोनों हाथों से dip करेंगे. Touch your fingers of left and right hand. अब टच करो दोनों को. डू फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स हैव द सेम फीलिंग. क्या दोनों में सेम फीलिंग होती है? इफ नॉट व्हाट इज द फीलिंग. तो जब फिंगर्स है बाउल ए और बी में तो राइट हैंड बाउल ए का कोल्ड फील करेगा और लेफ्ट हैंड बाउल बी में वार्म फील करेगा. और फिंगर्स बाउल सी में तो लेफ्ट राइट हैंड में होगा वार्म और लेफ्ट हैंड में होगा कोल्ड. द राइट हैंड फिंगर्स फील वाटर इन बाउल सी टू बी वार्म. तो जो राइट हैंड की फिंगर थी उसको तो गर्म पानी लगेगा इसमें सी बाउल में. द लेफ्ट हैंड फिंगर फील वाटर इन बाउल सी बी टू बी कोल्ड विच इज राइट. जो लेफ्ट हैंड की फिंगर थी उसको बाउल सी में वो ठंडा लगेगा पानी जो सही है. थस द एक्टिविटी क्लियरली प्रूव्स. तो एक्टिविटी से हमें पता चलता है दैट आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल. तो हमारा जो टच का सेंस है वो रिलायबल नहीं है. इन फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. तो कितना गर्म है कितना ठंडा है ये हम पता नहीं कर सकते. द टर्म्स हॉट और कोल्ड आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट. हॉट और कोल्ड दोनों टर्म रिलेटिव है एक दूसरे से, ये एब्सोल्यूट नहीं है. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. वेन वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं छूते हैं, इट मे अपीयर हॉट और कोल्ड. या तो ये हमें ठंडा होगा या गर्म लगेगा. वेन यू टेक एन आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम लेते हैं, इट अपीयर्स कोल्ड, ये बहुत ठंडी होती है. एंड वेन यू सिप अ हॉट कप ऑफ टी, जब आप गर्म चाय का सिप लेते हैं पीते हैं, इट अपीयर्स हॉट, तो ये गर्म लगती है. What makes things appear hot or cold? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको hot और cold बनाती है? The sensation of hotness or coldness depends upon the direction of flow of heat. तो जो sensation है hotness या coldness का वो heat के flow की direction पर depend करता है. When heat flows from the object to our body, जब हीट किसी ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में फ्लो करती है, इट अपीयर्स हॉट टू अस, ये हमारे को हॉट लगती है. व्हेन हीट फ्लोस फ्रॉम आवर बॉडी, जब हीट फ्लो होती है हमारी बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट में, इट अपीयर्स कोल्ड टू अस, तो ये हमारे को ठंडा लगता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिग्री हॉटनेस या कोल्डनेस की किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑन सम चूजन स्केल, किसी भी चूज किए गए स्केल पर, इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर.
इसको टेम्परेचर कहते हैं। थस द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अवर बॉडी। तो टेम्परेचर है हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री हमारी बॉडी की। द कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर की कॉमनली यूज करते हैं हम यूनिट वो है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम यूज करते हैं। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है, उसका नेम है थर्मोमीटर। थर्मो इज ए लेटिन वर्ड मीनिंग हीट एंड मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस। तो थर्मो लेटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है हीट, और मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, मतलब हीट को मेजर करने का डिवाइस। थस अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। तो उसी को हम थर्मोमीटर कहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मोमीटर। फिगर 4.3 शोज द कॉमन थर्मोमीटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। यू कैन सी इन द फिगर, आप देख सकते हैं ये थर्मोमीटर है जो यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में। इट इज़ कॉल्ड ए सेल्सियस थर्मोमीटर, इसको सेल्सियस थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर इज ए टूल दैट मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसा टूल है जिससे टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। इट हैज़ 100 मार्किंग्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी 100 मार्किंग होती है 0 से 100। इट रेंज इज फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जो रेंज होती है -10 से 110। डू यू नो द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर वॉज डिजाइन बाय एंडर सेल्सियस। इसने इसको बनाया था। वन ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब इन डिग्री सेल्सियस इज ए मेट्रिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इससे डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, और ये मेट्रिक स्केल टेम्परेचर इसे कहा जाता है। ये एंड्रस सेल्सियस इसका नाम है, इन्होंने इसको बनाया था। द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन ग्लास ट्यूब। जो थर्मोमीटर है उसके अंदर वेरी फाइन ग्लास ट्यूब होती है, हैविंग ए वेरी स्मॉल बोर, कॉमनली कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। इसको कैपिलरी ट्यूब हम कहते हैं। एट वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एक एंड पर देर इज ए वेरी थिन ग्लास बल्ब, एक छोटा बल्ब होता है बहुत थिन ग्लास का। दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मर्करी, ये प्योर मर्करी के साथ भरा हुआ रहता है। द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड, दूसरा एंड है उसको सील किया जाता है। आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट, इससे एयर को रिमूव करने के बाद द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाई ए थिक ग्लास ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब है उसको थिक ग्लास ट्यूब से प्रोटेक्ट किया जाता है, कॉमनली कॉल्ड स्टेम, उसको स्टेम कहते हैं। द मार्किंग्स आर मेड ऑन द स्टेम, तो जो मार्किंग की जाती है स्टेम के ऊपर, दीज मेकिंग्स आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस और डिग्रीज। इन मेकिंग्स को हम कॉमनली ग्रेजुएशन या डिग्री कहते हैं। थैंक यू।